गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजन हॉल एंड अमेजन पे चल रही है अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जिसपे आपको 50-80% का ऑफ मिल जाता है एंड ये 17 दिसंबर से चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल विंटर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। इसमें सॉल भी है, कुछ हुडीज भी है एंड स्वेटर्स भी हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है गाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अमेजन पे बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सेल आपको अमेजन पे मिल जाएंगे। अभी जो सेल चल रही है ना, उसकी आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। तो सारी की लिंक आपको नीचे माई हॉल स्टोर की लिंक पे मिल जाएगी, वहां से जाकर आप क्लिक करना, आप उस लिंक के थ्रू अमेजन पे डायरेक्ट जा सकते हो एंड वहां से शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, ओके। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है ग्लैम विद उजाला, मैं वहाँ पर हर किसी की रिप्लाई कर देती हूँ। तो डोंट वरी, अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ना आपको इंस्टा हैंडल की लिंक भी मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली मैं इसमें स्वेटर्स ही दिखाने जा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट जो स्वेटर है ना, ये मस्टर्ड येलो कलर की स्वेटर है एंड ये बहुत सुंदर स्वेटर है गाइज। इसे ना आप जीन्स वगैरह पे पहनोगे ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी, जैसे मैंने अभी पहना ना ये बिल्कुल येलो कलर में है एंड ये जो है ना मस्टर्ड येलो में है, आप देख सकते हो। तो इसकी कलर थोड़ी सी डार्क है एंड ये थोड़ी सी सी थ्रू है, इसमें होल्स है तो अंदर ना आपको इनर वगैरह लेनी पड़ेगी, बट आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत अच्छे से ना डिज़ाइन दी गई है। यहाँ आपको लॉन्ग नेक दी गई है एंड यहाँ आप देख सकते हो जो चेस्ट पोर्शन है ना, यहाँ कटआउट्स है, तो काफ़ी अच्छी ना स्टाइलिश लुक भी मिलता है आपको। एंड फेब्रिक काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी उलन फेब्रिक है ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। और इसकी जो बैक साइड है ना, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी स्टाइलिश लगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये भी एक स्वेटर है एंड ये भी बहुत सुंदर स्वेटर है एंड ये भी ना नीटेड स्वेटर ही है। तो मुझे ना इस तरह के स्वेटर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पफी स्लीव्स वाले स्वेटर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है एंड मुझे पर्सनली इस तरह के स्वेटर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह की स्वेटर है और ये जो है ना रस्टी रेड कलर में है एंड ये थोड़ी सी शॉर्ट है, ये आपको वेस्ट तक ही आएगी, उससे नीचे नहीं आएगी एंड ये आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। इसके स्लीव्स भी काफ़ी अच्छे छोटे हैं, यहाँ तक आपको आएगी एंड इसकी जो बैक साइड है ना, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की एंड साइड से इस तरह के कटे बने हुए हैं, राउंड नेक है इसका, तो इसकी लुक ना काफ़ी स्टाइलिश लगती है अगर आप हाई वेस्टेड जीन्स के साथ पहनते हो ना, तो बहुत सुंदर लगेगी। तो ये सेकेंड स्वेटर थी। नेक्स्ट जो आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक हुडी है एंड ये टाई एंड डाई प्रिंट में है, इसलिए मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पिंक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में टाई एंड डाई है एंड ये हुडी है गाइस। इसकी लुक बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये आप देख सकते हो फुल स्लीव्स के साथ आती है, बट ये ना आप मतलब सिंगल इसे पहनकर नहीं रह सकते ज़्यादा ठंडी में, ये नॉर्मल ठंडी के लिए ना सही है, नॉर्मल ठंडी में ये चल जाएगी, बट ज़्यादा ठंडी होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड मैंने पिंक जैसे हुडी लिया ना, तो पिंक जॉगर भी लेना चाह रही थी, तो मैंने पिंक जॉगर ऑर्डर किया था, बट ये मुझे ना ब्लैक एंड ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आ गई है। तो ये आप देख सकते हो ये भी बहुत सुंदर है, इसमें आपको इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है आप देख सकते हो एंड इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं दोनों साइड से, जो कि काफ़ी अच्छी पार्ट है। और ये जॉगर्स काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इसे हाई वेस्टेड जीन्स की तरह पहन सकते हो एंड यहाँ आप देख सकते हो इस तरह की आपको इलास्टिक मिलती है बॉटम में भी, तो ओवरऑल अच्छी है, बस कलर्स से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, मुझे पिंक कलर चाहिए था बट ये कलर आ गई, कोई नहीं मैं इसे एक्सचेंज कर लूँगी। बट क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, तो आप चाहो तो इन्हें ले सकते हो, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड प्राइस मैं यहाँ डाल दूंगी, प्राइस काफ़ी अच्छी थी, रिजनेबल लगी मुझे, इसलिए मैंने लिया है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक नाइट सूट है, एज विंटर्स में ना थोड़ी सी कोजी सी नाइट सूट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने लिया है ये रॉयल ब्लू कलर में, आप चाहो तो किसी और कलर्स में भी ले सकते हो, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे,
तो ये जो है ना आप देख सकते हैं ये टॉप है, इसमें भी आपको हुडी काइंड ऑफ दी गई है एंड ये आप देख सकते हो फुल स्लीव्स मिलते हैं आपको एंड ये काफी वॉर्म है गाइज, इसे पहनने से ना मतलब काफी अच्छी फील होती है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ आपको ना जिप मिल जाती है एंड जिप की जो लेंथ है वो आपको बस्ट एरिया तक आएगी, बस्ट से थोड़ी ऊपर तक आएगी एंड ये थोड़ी सी लॉन्ग है, इसमें ना आपको पॉकेट भी मिल लेंगे फ्रंट में, लाइक ज्यादा ठंडी में हाथ डाल सकते हो आप पॉकेट में, तो ये काफी ज्यादा वॉर्म है गाइज, इसे छूने से ही बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे एंड ये आप देख सकते हो इसके साथ मुझे पैंट मिली है, पैंट कुछ इस तरह की है, ये भी काफी कोजी है एंड इसमें आपको इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है, इस पे स्टार पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं और इसमें और भी पिंक कलर्स थी ना, पिंक कलर भी आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है पिंक कलर में नाइट सूट एंड विंटर्स में ना इस तरह के नाइट सूट काफी अच्छे लगते हैं, मैं तो ज्यादातर यही नाइट सूट पहनती रहती हूँ विंटर्स में, मुझे काफी पसंद है। तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक स्टॉल है, इसे आप विंटर्स में कैरी कर सकते हो, विंटर्स में ही कैरी करने वाली है ये, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, तो ये आप देख सकते हो पिंक कलर में है, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी प्राइस काफ़ी सही थी इसलिए मैंने लिया, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह के, इसके ऊपर ना डियर के पैटर्न बने हुए हैं और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जो मिड पोर्शन है ना उसमें भी आपको डियर के पैटर्न दिखेंगे हल्के हल्के से और यहाँ आप देख सकते हो इस तरह की बहुत सुंदर सी इसकी पैटर्न है, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है और विड्थ मैं आपको बता दूँ, विड्थ आप देख सकते हो बस ये विड्थ है, तो नॉर्मली स्टॉल्स के जो विड्थ होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये, आपको भी अच्छे लगेंगे जरूर ट्राई करें। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉल की, तो नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, इस पर ना लीफ के पैटर्न है ये आप देख सकते हो और बहुत सुंदर लग रही है, इसमें बहुत सारे कलर्स है लाइक ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है और ब्लू है, बहुत प्यारी लग रही है, गोल्डन भी है ये आप देखो, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे एंड ये काफ़ी स्टाइलिश भी लग रही है, अगर आप किसी पार्टीज फंक्शन में भी जा रहे हो ना तो इस तरह की स्टॉल डाल सकते हो, ये वाली इस स्टॉल की ना कलर्स बहुत प्यारी है सी एंड काफ़ी अच्छी फेब्रिक है, काफ़ी स्मूथ है, सेम इसकी भी विड्थ जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो इस तरह की विड्थ मिलेगी आपको, लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो ये स्टॉल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आपको भी पसंद आई होगी, सच सच बताना कमेंट करके कौन सी स्टॉल ज़्यादा अच्छी थी, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी है बट आपको किसी पार्टीज फंक्शन के लिए लेना है तो ये वाली स्टॉल आप ले सकते हो, विंटर्स में काफ़ी काम आते हैं। सो नेक्स्ट आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक सॉल है, ये आप देख सकते हो इस तरह की सॉल है एंड ये ब्लैक कलर में है, इसके ऊपर ना फुल एम्ब्रॉयडरी की गई है एंड इस पे ना क्रूशिया वर्क होता है ना वो किए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो इस तरह के क्रूशिया वर्क मिलेंगे इसके ऊपर एंड ये आप देखो बहुत प्यारी है, ये सॉल है बट इसकी भी लेंथ ना स्टॉल जैसी ही है, आप देख सकते हो सी इस तरह की है, तो इसे भी ना आप स्टॉल ही बोलो, ये एज ए स्टॉल बहुत अच्छी लगेगी और ये आप देख, ये थोड़ी सी ना वॉर्म है, ज़्यादा है इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये थोड़ी सी पतली है, ये थोड़ी ज़्यादा मोटी है क्योंकि इस पर क्रूशिया वर्क किए गए हैं एंड लुक इसकी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे ही ड्रेसेस जो भी मैंने विंटर्स के लिए लिए हैं ना, मुझे बहुत पसंद आए, एक डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, मैंने अथीना की ना लॉन्ग जैकेट ली थी बट उसमें मुझे ना इस तरह की ड्रेस डिलीवर हो गई है, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, ये आप देख लो ये मुझे मिली है लॉन्ग जैकेट की जगह पे, अगर आप लेना चाहो ना तो लॉन्ग जैकेट आप ले सकते हो, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मेरी एक फ्रेंड ने लिया था तो उसे ही देखकर मेरी फ्रेंड ने लिया था तो वो बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने उसे ही देखकर उसे ऑर्डर किया था, बट वो आई नहीं तो मैं इसे एक्सचेंज कर लूँगी, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए की फॉर